ग्रामीण टेलिकम श्रमिक कर्मचारी यूनियन नामियों डाच बांगला बैंक लिमिटेड लोकल शाखा ढाका 17 मे 2022 तारीखे 10 कोटी 25 मे 2022 तारीखे 14 कोटी 58 लक्ष 15 हज़ार 391 टाका एवं 30 मे 2022 तारीखे 1 कोटी 63 लक्ष 91 हज़ार 389 टाका सह सर्वमोट 26 कोटी 22 लक्ष 6 हज़ार 780 टाका स्थानान्तर करा हय। किंतु कर्मचारी लभ्यांश वितरण पूर्वे ते प्राप्य अर्थ ते ना जानिए असत उद्देश्य आत्मसातर अभिप्राय सीबीए नेता कामरुज्जामान डाच बांगला बैंक लिमिटेड मिरपुर शाखा ढाकार हिसाब से 25 मे 2022 तारीखे 2 कोटी 50 लक्ष टाका एवं 6 जून 2022 तारीखे 50 लक्ष टाका स्थानान्तर करा हय। ग्रामीण टेलिकम सीबीए नेता माइनुल इस्लाम डाच बांगला बैंक लिमिटेड मिरपुर शाखा ढाकार हिसाब से 26 मे 2022 तारीखे 2 कोटी टाका एवं 6 जून 2022 तारीखे 1 कोटी टाके स्थानान्तर करा हय। ग्रामीण टेलिकम सीबीए नेता फिरोज महमूद हासान डाच बांगला बैंक मिरपुर शाखार हिसाब से 26/5/2022 तारीखे 2 कोटी 50 लक्ष टाका एवं 6 जून 2022 तारीखे 50 लक्ष टाका स्थानान्तर करा हय। एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ आलर कमार्शियल बैंक अफ सिलन धानमंडी शाखा ढाकार हिसाब से 4 कोटी टाका एवं दि सिटी बैंक लिमिटेड गुलशान शाखा ढाकार हिसाब से 5 कोटी टाका स्थानान्तर करा हय। एवं एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ आली और एडवोकेट जाफरुल हासान शरीफ नामियो स्टैंडार्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड गुलशान नर्थ शाखा ढाकार हिसाब से 29 मे 2022 तारीखे 6 कोटी टाका स्थानान्तर करा हय जा तादेर प्राप्य छिल ना। सुतरां एडवोकेट फी हिसेबे प्रकृतपक्षे हस्तान्तरित होयेछे मात्र 1 कोटी टाका बाकी 25 कोटी 22 लक्ष 6 हज़ार 780 टाका ग्रामीण टेलिकमेर चेयरमैन व्यवस्थापना परिचालक बोर्ड सदस्यदेर सहायतায় ग्रामीण टेलिकमेर सीबीए नेता एवं एडवोकेट सह संश्लिष्ट व्यक्तिगण असत उद्देश्ये अपराधजनक विश्वास भंग करे सेटलमेंट एग्रीमेंटर शर्तादि लंघन पूर्वक जाल जालियातर आश्रय ग्रामीण टेलिकम थेके उक्त अर्थ आत्मसात्पूर्वक अपराधलब्ध अर्थ स्थानान्तर और रूपान्तरेर माध्यमे अवस्थान गोपन करे आत्मसात करेछेन जा दंडविधि एवं मानी लंडरिंग प्रतिरोध आईनेर संशोधित धारे शास्तिजोग्य अपराध हय। आसामी प्रफेसर डॉ मोहम्मद यूनुस चेयरमैन ग्रामीण टेलिकम सह 14 জনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির 409, 420, 467, 468, 471 এবং 109 ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন 2012-এর 4-2 ও 4-3 ধারায় কমিশন কর্তৃক চার্জশিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং এই চার্জশিট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হবে। টাকাটা গ্রামীণ টেলিকমের টাকা সেই টাকাটা এবং এই এই গ্রামীণ টেলিকম আপনারা জানেন এখানে সরকারের একটা অংশীদারিত্ব রয়েছে কাজেই এটি এই বোর্ড কর্তৃপক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে জালিয়াতি কাগজ সৃজন করা হয়েছে এবং এই কথিত 25 কোটি 22 লক্ষ 6 হাজার 780 টাকা যে স্থানান্তর করা হলো 3 সিবিআই নেতে এবং 2 জন অ্যাডভোকেটের কাছে এটি অবৈধ এবং আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে ম্যানেজ করার জন্য করা হয়েছে।